गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन हाउ आर यू होप यू ऑल आर फाइन चिल्ड्रन सो आपकी विंटर वेकेशन कंप्लीट हो गई है आपने छुट्टियों में काफ़ी इंजॉय किया होगा सो so, आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है येस yes? सो चिल्ड्रन ओपन योर इंग्लिश बुक ओके सब इंग्लिश की बुक ओपन कीजिए पेज नंबर थर्टी नाइन ओके आपको पेज नंबर थर्टी नाइन ओपन करना है चिल्ड्रन टुडे वी विल लर्न यूज ऑफ दीज एंड दो ओके इन प्रीवियस वर्क इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट दिस एंड दैट ओके मैम ने आपको पहले दिस और दैट के बारे में बताया था यस है ना यस ओके चिल्ड्रन मैम एक बार और दिस और डेट के बारे में आपको बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं ओके वी यूज दिस टू इंडिकेट थिंग्स दैट आर नियर ओके जो दिस हम तब यूज करते हैं जो चीज हमारे पास है लुक एट द कप ओके दिस इज अ कप, ओके एंड दूर की थिंग्स के लिए अगर हम इस कप को दूर रख देते हैं तो हम उसे फिंगर से बताते हैं दैट इज अ कप। सो मैम ने आपको पहले भी बताया था ओके okay? और बेटा दिस सॉरी दिस दैट के साथ क्या यूज होता है इज ओके दिस और दैट के साथ ओके दिस इज अप ओके दिस इज अप ओके और दैट में भी दैट इज अप ओके दैट और दिस के साथ हम क्या यूज करते हैं इज ओके नोट चिल्ड्रन सो टूडे आज हम क्या पढ़ेंगे टूडे वी विल लर्न दीस एंड ओके तो दीज एंड दो दिस एंड भी सेम होंड दैट की तरह होता है ओके बट दिस में दिस दिस हमेशा सिंगल दिस वी यूज दिस एंड दैट विथ सिंगल थिंग्स सिंगल थिंग्स के लिए यूज की जाती है सब सिंगल पर्सन है ओके जैसे दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय ओके दैट इज अ एन एप्पल ओके और दिस एंड दोस नाउ लुक हियर लुक एट द कप्स ओके सो दिस आर कप्स मींस जब वी यूज दिस एंड दोस मैनी थिंग्स लाइक दिस कप्स टेबल्स ओके एंड पर्सनस के लिए भी यूज़ किया जाता है ओके एंड थिंग्स एंड फ्रूट्स ओके एप्पल एप्पल्स ओके जैसे एक एप्पल के लिए सिंगल के लिए दिस यूज एड दैट यूज़ होता है और बहुत सारे मतलब मैनी थिंग्स के लिए या मैनी फ्रूट्स के लिए हम क्या करते हैं दिस एंड दोज का यूज़ करते हैं ओके नान लुक हेयर चिल्ड्रन मैम के पास देखिए आप कितने कप्स हैं वन टू थ्री कप्स यानी मैम ने आपको वन और मैंने भी बताया था यस या नो यस वन और मैनी ओके तो मैनी तो मैम के पास बहुत सारे कप्स हैं तो मैनी थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं दीज दीज आर कप्स ओके तो दीज के साथ क्या यूज होता है नो लुक हियर दीज दीज मींस ये ये कप हैं, ओके okay? और दीस दिस के साथ क्या यूज होता है आर दीज आर कप्स ये कप्स हैं ओके okay? दिस के साथ आर और दिस और, और दैट के साथ इज लुक हियर दिस के साथ इज इज दिस एंड दैट के साथ क्या यूज होता है इज एंड दीज आर दोस्त आर दीज और दोस्त के साथ हम क्या यूज करते हैं आर ओके बारे में बता रहे हैं ओके नाउ लुक हेयर तो ये कप्स दीज आर कप्स ओके okay? पे रख रहे हैं ओके okay? दूर और मैम फिंगर से शो कर रहे हैं तो मैम ने जैसे बताया था ना वन अगर ये वन कप है तो दैट यूज होगा ओके लेकिन मैम आज दीज एंड दोस्त पढ़ा रहे हैं आपको तो मैम ने यहाँ पे ये कप्स रखे हैं और मैम फिंगर से शो कर रहे हैं ओके दोज आर कप्स ओके दोज आर कप्स इसी तरह से नाउ लुक हियर लुक हियर गिव मैनी चिल्ड्रन वी यूज़ दिस एंड मैनी थिंग्स ओके ना लुक हेयर पेंसिल्स ओके मैम ने यहाँ पे वन से ज़्यादा पेंसिल्स रखी है ना तो दीज आर पेंसिल्स ओके okay? और मैम इनको टच कर रहे हैं ओके okay? ये नीयर है वी यूज़ वी यूज दिस टू इंडिकेट थिंग्स आर नीयर जो हमारे पास है वो उसको क्या बोलते हैं जिसको हम छू रहे हैं तो दिस यूज होता है ओके अब मैम ने यहाँ पे रख दिए हैं ये पेंसिल ओके बेटा पेंसिल्स यहाँ पे रख दी हैं अब मैम फिंगर से शो कर रहे हैं ओके दोज आर पेंसिल्स दोज आर पेंसिल्स ओके सो चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर ओके र बर्ग्स नॉ लुक हेयर ये किसकी पिक्चर बनाई है यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे बर्ग्स बनाए हैं ना यस चिल्ड्रन बर्ग्स बर्ग्स मीन्स यहां पर बहुत सारे बर्ग्स बने बर्ग इंसेक्ट होते हैं कीड़े होते हैं तो ये बर्ग्स हैं ओके दीज नॉलुक एट द पिक्चर कितनी कार हैं टू कार्स तो मैम ने क्या बताया है सिंगल वन वन चीज के लिए सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं दिस एंड दैट ओके अगर नियर में है पास में है तो दिस यूज होगा सिर्फ वन वन थिंग्स के लिए ओके okay? अगर यहाँ पे वन कार होती तो दिस यूज होता लेकिन यहाँ पे वन से ज्यादा है ना टू तो दीज यूज हो रहा है ओके okay? जो मैम आपको आज बता रहे हैं दीज एंड टोस के बारे में ओके दीज आर कार्स ये कार्स हैं ओके

ट थिंग्स दैट फार दैट आर फार फ्रॉम अस जो हमसे दूर है जिसे हम फिंगर से ही शो कर सकते हैं ओके हमारी पॉइंटर फिंगर होती है ना तो हम उसे फिंगर से ही शो कर सकते हैं कि वे आउल है उल्लू हैं ओके तो दो आर आउट ओके दोज आर आउट नाउ नेक्स्ट है लुक एट दिक्चर यस yes, ये टेबल्स है एंड मैम ने आपको बताया ना वन एंड मैनी का भी बताया था सिंगल अगर एक, टे, एक, एक टेबल होता तो हम सिर्फ टेबल लिखते हैं और मैनी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं टेबल्स लिखते हैं ओके तो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा टेबल्स यहाँ पे टेबल्स है ना तो ये दूर है पिक्चर्स दूर शो कर रखिए तो दो आर टेबल्स ओके दो आर टेबल्स ना लुक हेयर लुक है रहता पिक्चर जग्स jugs. Jugs, नजदीक में है ना थोड़ा नियर में बना रखा है पास में एंड आप बैट की पिक्चर देखोगे तो एक से ज्यादा है तो जब एक से ज्यादा थिंग्स होती है तो उनके लिए दीज और दोज यूज किया जाता है नियर के लिए दीज एंड फार के लिए दोज दोज आर बैट्स नुकस दीज आर कप्स ओके दो आर बंस ना लुक है लुक एट द पिक्चर दीज टी एच ई एस ई दीज आर एम ए टी एस मैट्स ओके एंड देखिए पेंट पैंस की पिक्चर है वो दूर बना रखी तो दो आर पैंस नेक्स्ट है वैंस दीज आर वैन ओके ये वैन्स की पिक्चर है तो दीज आर वैन्स दो नाउ लुक एट द पिक्चर बैट्स की पिक्चर है ना दोज आर बैट्स तो बैट्स जो बेटा आ, दीज एंड दो के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं आर और मैन्यूमिस में आ रहा है ना मैन्यू में कन्वर्ट हो रहा है तो एस यूज हो रहा है ओके यस और सिंगल थिंग्स के लिए सिंगल के लिए दिस एंड दैट यूज करते हैं और दिस नजदीक के लिए दिस एंड फार uh, के लिए दैट ओके okay? और उनके साथ क्या यूज किया जाता है इज इज दिस और दैट में क्या लगता है बेटा इज ओके दिस दैट और हम क्या यूज करते हैं इज ओके एंड एंड दिस के साथ हम क्या यूज करते हैं दोज एंड दिस के साथ हम क्या यूज करते हैं है? मैम ने क्या बताया आर ओके दीज दो तो हम क्या यूज करते हैं आर दैट दिस इज ओके अंगल के लिए भी दिस इज जैसे मैं हमने बताया था दिस इज अप ओके कप और इसमें दीज आर कप्स ओके नाउ लुक हियर डू गेट माई नोटबुक सो विस डे इज टूडे मंडे टेंथ जनवरी ओके टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके बेटा अब न्यू ईयर आ गया ना आपको मैम ने विश भी करा था पहले ही ओके okay. तो हम क्या है ईयर भी यहाँ पे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लिखेंगे ओके यूज ऑफ दीज दो लुक एट द पिक्चर मैम ने किसकी पिक्चर बनाई है यस yes. कप्स तो मैम ने क्या बोला है मैनी में है ना तो मैनी के लिए क्या यूज बोलते हैं है? मैम ने क्या बताया था दीज यस yes. तो दीज T H E S E. These are cups. Next है यहाँ पे मैम ने देखो नल बनाया और नल को क्या बोलते हैं टेप्स ओके और एक से ज़्यादा है तो एस ओके पी एस और मैम ने क्या कहा है जो मैम ने पिक्चर दूर बनाई है उनके लिए क्या यूज़ होता है Yes दोज और वन से ज़्यादा पिक्चर बनाई है ना मैम ने तो दोस टी एच ओ एस ई दोस आर टेप्स नेक्स्ट है विश पिक्चर यस पेंसिल लेकिन बेटा एक से ज्यादा पेंसिल है तो पेंसिल्स कहेंगे ओके okay? तो मैम ने यस yes, बिल्कुल पास में बनाई है ना तो क्या यूज होगा यस दिस टी एच ई एस ई और हम दिस क्यों यूज कर रहे हैं बिकॉज ये क्या है मैनी मैनी थिंग्स के लिए होता है ना यूज दीस यस दीज आर पेंसिल्स नेक्स्ट है बॉल्स वन से ज्यादा है बॉल्स वन टू थ्री फोर फोर बॉल्स है ओके तो क्या होगा क्या यूज करेंगे दो टी एच ओ एस E, those are balls. Next है आर कैट्स मैम ने यहाँ पे ने, कुछ भी नहीं लिखा है तो यहां पर क्या होगा Yes, हम इसमें यूज करेंगे those. T H O S E. Those are cats. ओके okay, बेटा आप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे ओके थैंक यू